Hello everyone, welcome to Sacred Gurukul. Today we are going to discuss about the most important multiple choice question, Part 5 of Environmental Engineering. We have already discussed Part 1, 2, 3, 4. Now we are going to discuss Part 5. तो पार्ट फाइव में जो डिस्कस कर रहे हैं हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स या वाटर प्योरीफिकेशन ऑफ रॉ वाटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे वेस्ट वाटर की बात नहीं कर रहे हैं किसी भी टॉपिक में अभी तक हमने वेस्ट वाटर का डिस्कशन नहीं किया है ठीक है वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स प्योरीफिकेशन तो प्रीवियस पार्ट वन टू थ्री में हमने वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखा एंड फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरीके जो वाटर प्योरीफिकेशन से वाटर प्योरीफिकेशन में चाहे वो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करें केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात करें बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर का बात करें मतलब वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। ये जो क्वेश्चन है ये जो

तो रॉ वाटर से टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करते हैं इस द फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें टेस्ट एंड ऑर्डर रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं कागुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन नहीं ये ऑलरेडी हमने यूज पढ़ रखा है बता रखा है एमसीक्यू सीरीज में कि कॉगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन का क्या यूज होता है एक्टिवेटेड कार्बन यस एक्टिवेटेड कार्बन का यूज करते हैं एरिएशन नो डिस नो तो ये दोनों का दोनों गलत होते हैं ए बी इज द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि बाकी टर्म्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए है जहां जहां पे जिसकी जिसकी जरूरत होती है ठीक है एरिएशन का क्या काम होता है का क्या काम होता है टाइप्स ऑफ डिस भी देख रखे फॉकुलशन फ्लॉकुलेशन क्या होता है सेडिमेंटेशन क्या होता है ईच एंड एवरी पैरामीटर हम जिन लोगों ने नहीं प्रीवियस वन टू फोर देखा जाके पहले वन टू फोर देखिए उसके बाद ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में प्लेलिस्ट बना हो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा राइट वॉट इज द पर्पज ऑफ बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर देखो फ़िल्टर की बात क्या फिल्ट्रेशन है रैपिड सैंड फिल्टर में मेथड जो है हमारा उसमें रैपिड सैंड फिल्टर स्लो सैंड फिल्टर होता है रैपिड सैंड फिल्टर होता है फिर आपका प्रेशर फिल्टर होता है तो ये तीनों फ़िल्टर में सबसे जो यूज़ किया जाने वाला जो मैक्सिमम यूज किया जाने वाला जो जाने फिल्टर वो रैपिड सैंड फिल्टर है ऑलरेडी एक क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने इसको दोनों का डिफरेंस बताया था कि रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर का डिफरेंस क्या होता है मेजर मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन में आते हैं टू इंक्रीज द फिल्ट्रेशन रेट टू रिड्यूस द हेड लॉस देखो पर्पस पूछा है बैक वॉशिंग के लिए टू रिमूव एक्ुमलेटेड सॉलिड फ्रॉम द फिल्टर बेड यस दिस इज द करेक्ट वन सी इज द करेक्ट आंसर कि जो फिल्टर बेड पे जो सॉलिड फिल्टर बेड पे जो एक्मेलेटेड सॉलिड्स होता है उसको हटाने के लिए यूज करते हैं बैक वॉशिंग का यूज करते हैं बैक वॉशिंग जो होता है वो रिवर्स फ्लो होता है पानी का ही बैक वॉश फ्लो ऑफ द वाटर होता है तो बैक वॉशिंग रिवर्स फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू फिल्टर जिससे कि ट्रैप्ड पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ट्रैप्ड पार्टिकल्स वो निकल के बाहर निकल जाते हैं वो फिर वो स्मूथली uh, उससे मतलब uh, जो उसमें कचड़ा जमा होता है वो हट जाता है तो सी इज़ द करेक्ट आंसर डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग क्लोरीन फॉर डिसइंफेक्शन इसमें देखो तो डिसएडवांटेज भी लिखा है और नॉट भी लिखा है ठीक है डिसएडवांटेज भी लिखा है नॉट भी लिखा है तो इसमें सही आंसर कौन सा बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा क्योंकि इसका क्वेश्चन का पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है कॉम्प्लिकेटेड है फॉर्मेशन ऑफ डिस इन्फेक्शन बाई प्रोडक्ट दीज आर द डिसएडवांटेज दिस इज द डिसएडवांटेज द नॉट डिसएडवांटेज लिखा मतलब ये चीज़ यहाँ पे तो गलत है लेकिन डिसएडवांटेज है ये

सी इज द करेक्ट आंसर जो सी जो पॉइंट है ना एक्चुअली दिस इज अ एडवांटेज ऑफ क्लोरीन ठीक है दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्लोरीन वही लिखा था नॉट डिसएडवांटेज कौन सा नहीं है डिसएडवांटेज डिस ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कोगुलेंट यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट कौन सा ऐसा है जो नेचुरली हम वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं एज ए कोगुलेंट कोगुलेंट तो आपको नाम बताया होगा एक एलंबा बताया था कॉपर एज बताया था क्लोरिनेटेड कॉपर बताया था याद है यस yes, एग्जैक्टली exactly. तो इसमें नेचुरल कागोलेंट्स कौन सा है नेचुरल कागोलेंट कौन सा है मोरिंगा ऑलिफेरा सीड्स पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड फेरिक क्लोराइड और सोडियम एलुमिनीट तो ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर मोरिंगा ऑलिफेरा सीड्स यानी कि ए सबसे सही जवाब है ठीक है ए जो है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फिल्टर यूज इन वाटर ट्रीटमेंट कौन सा वाटर ट्रीटमेंट में हम यूज़ नहीं करते हैं स्लो सैंड फिल्टर रैपिड सैंड फिल्टर प्रेशर फिल्टर और मेमरिन बायो रिएक्टर कौन सा यूज नहीं करते हैं तो देखो फिल्टर अभी आपको बताया कि कौन कौन सा है प्रेशर फिल्टर भी है स्लो सैंड फिल्टर भी है रैपिड सैंड फिल्टर भी है तो नहीं कौन सा इसका तो इज द करेक्ट आंसर बाकी तो ये गलत हो गया ना ए बी सी गलत है डी मेम्ब्रेन एन रिएक्टर ये फिल्टर नहीं है ठीक है वॉट इज द दर्पज ऑफ एडिंग एक्टिवेटेड कार्बन टू वॉटर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड टू एडजस्ट पी एच टू डिस ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो सस्पेंडेड सॉलिड के लिए क्या करते हैं सेडिमेंटेशन पी एच एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं डिस के लिए अलग तो ये तीनों का तीनों ऊपर का जो तीनों है ना वो गलत है एसिडिक है कि पी एच एडजस्ट के लिए एसिड है तो बेस में मतलब न्यूट्रलाइज करना होता है बेसिकली पानी को तो एसिड है तो उसमें बेस ऐड करेंगे बेस है तो उसमें एसिड ऐड करेंगे तो ये ए बी सी तो रॉन्ग है डी द करेक्ट आंसर अभी पीछे भी देखा था हमने कि टेस्ट एंड ऑर्डर एंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द एडिशनल पार्ट तो तीनों को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल करते हैं एक्टिवेटेड कार्बन ये क्या हो गया सिक्सटी टू विजिबल नहीं है कुछ हो गया लगता है नेक्स्ट

फेरिजाइशन एंड डी मैगनाजेशन इज द करेक्ट आंसर ए ही सही है कोई इसमें सोचना ही नहीं है क्लोरिनेशन हटाने के लिए क्लोरिन सैलड ठीक है नाइट्रे, नाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट के लिए हो जाएगा तो ये सारी चीजें ठीक है विच टाइप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज टिपिकली यूज इन रूलर एरिया विथ लिमिटेड रिसोर्सेस देखो रूलर एरिया की अगर हम बात करते तो एक टर्म्स और कल परसों वाले क्लास में बताया था कि अर्बन एरिया में हम रैपिड साउंड फिल्टर यूज करते हैं प्रेशर फिल्टर यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के केसेस में अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो हम स्लो साउंड फिल्टर यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टिपिकली यूज इन रूरल एरिया फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लांट नहीं ऐसा नहीं होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्लांट ये भी मुश्किल हो जाता है पैकेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे ये कर सकते हैं स्लो सैंड फिल्टर का तो फिल्टर केस में ये सही है कि कौन सा रूरल एरिया में फिल्टर यूज करता है स्लो सैंड फिल्टर यूज करते हैं और अगर हम पूरा ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं विथ लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करें तो पैकेज ट्रीटमेंट प्लांट इज द करेक्ट आंसर पैकेज ट्रीटमेंट प्लांट इज द करेक्ट आंसर ये काफी कॉम्पैक्ट और सुटेबल होता है छोटे कम्युनिटी के लिए स्मॉल कम्युनिटीज के लिए जहां पे वाटर डिमांड जो होता है ना वो कम होता है जहां पे लोअर वाटर डिमांड होता है लेस वाटर डिमांड होता है वहाँ पे क्या यूज़ करते पैकेज ट्रीटमेंट प्लांट यूज करते हैं नेक्स्ट द मेजर ऑफ लाइट स्कैटरिंग एबिलिटी ऑफ वाटर ड्यू टू सस्पेंडेड सॉलिड इज कॉल्ड वॉटर टर्बिडिटी टोटल डिजॉल्व सॉलिड कलर और एल्कनिटी देखो फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में ये चारों टर्म्स हैं कि हमें टर्बिडिटी रिमूव करना होता है टर्बिडिटी रिमूव करने के लिए कौन कौन सा मेथड होता है ये भी इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहला आंसर इसका सही है ए इज द करेक्ट आंसर कि लाइट स्कैटरिंग एबिलिटी ऑफ वाटर ड्यू टू द सस्पेंडेड सॉलिड इज कॉल्ड टर्बिडिटी तो टर्बिडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ वाटर क्लैरिटी ठीक है दैट इन द प्रजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक क्ले सिल्ट एल्गी एंड ऑर्गेनिक मैटर तो टर्बिडिटी देख के ही पता जाता है तो डिपेंड करता है वाटर की टर्बिडिटी लेवल क्या है इसके एक और इम्पॉर्टेंट टर्म बताया था आपको कि जो इसका वैल्यू है एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है काउज ऑफ रिजेक्शन्स क्या है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थे तो कार्यक्रम सारी टर्बिडिटी टी में टोटल डिजॉल्व सॉलिड में क्या हो जाएगा वो अलग टेम्परेचर पर डी कैसे फाइंड आउट करते हैं टी आपने सुना भी होगा घरों में कि हमारा वाटर का टी क्या है तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सारे के सारे नेक्स्ट द टेम्परेचर ऑफ़ रॉ वाटर इन्फ्लुएंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजोल्व ऑक्सीजन कंसनट्रेशन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेस्ट एंड ऑर्डर ऑल ऑफ देवर टेम्परेचर किन किन चीज़ों को इफेक्ट करता है टेम्परेचर रॉ वाटर के किन किन चीज़ों डी यस डिजोल्व ऑक्सीजन को इफेक्ट करता है केमिकल रिएक्शंस होता है टेस्ट एंड ऑर्डर को इफेक्ट करता है यानी कि सारे के सारे सही है ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रेट ऑफ केमिकल में क्या हो जाएगा बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट होता है टेस्ट और ऑर्डर तो ठीक है वो तो एक क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या हो दो क्वेश्चन मैं दोबारा करा दूंगा 67 और एक और क्वेश्चन फंसा है पता नहीं इसका इशू आ रहा है द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर कैन बी डिटरमाइन बाय वाई वॉट करेक्ट आंसर फिल्टरेशन मेथड फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं निकालने के लिए विच ऑफ दॉट ए कॉमन यूनिट फॉर टर्बडिटी मेजरमेंट नॉट ए कॉमन यूनिट फॉर द टर्बिडिटी मेजरमेंट टर्बिटी किससे मेजर एन टी यू करते हैं अभी टर्टी बता ना एन टी यू से भी करते तो सही है जे टी यू ये भी सही है एफ टी यू सही है एम जी पर लीटर से नहीं करते हैं एम जी पर लीटर से नहीं करते यानी कि बाकी के तीन ऊपर के गलत हो गए और ए बी सी याद रखिएगा और डी सही होगा क्योंकि नॉट लिखा था क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा था एन टी यू हो गया जे टीय हो गया एफ टी यू हो गया ये सारे के सारे स्पेसिफिक टर्बिडिटी यूनिट्स हैं बट एनजी पर लीटर इज नॉट अ यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन और नॉट अ मेजरमेंट ऑफ टर्बिडिटी द टेस्ट एंड कलर ऑफ वाटर आर प्राइमरली काउस्ड बाय डिजॉल्व मिनरल्स एल्गी एंड बैक्टीरिया सस्पेंडेड सॉलिड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो प्राइमरी अगर कहता है प्राइमरी टेस्ट एंड ऑर्डर आर प्राइमरी काउस्ड बाय विच ऑफ द टर्म्स तो डिजॉल्व मिनरल्स एलगी बैक्टीरिया सस्पेंड तो एलगी एंड बैक्टीरिया सबसे पहले तो कौन सा है बी इज द करेक्ट आंसर बी इसका सही जवाब है बी एलगी एंड बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि या फिर कोई दिक्कत है कि द प्रोडक्ट कंपाउंड्स दैट कैन इम्पार्ट द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर टू वॉटर ड्यू टू एल्गी एंड बैक्टीरिया सस्पेंडेड सॉलिड से भी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी होता है डिजोल्व मिनरल से भी होता है लेकिन प्राइमरी किससे होता है तो प्राइमरी बी चारों ऑप्शन देखा जाए तो सही है ठीक है चारों ऑप्शन देखा जाए जा तो सही है लेकिन यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि एक ऑप्शन बेस्ट सुटेबल आंसर सेलेक्ट करना था तो बेस्ट सुटेबल आंसर ऐसा कौन सा हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर सो so, ठीक है आज के लिए इतना ही सो थैंक यू रिवन वन से लेकर सेवेंटी तक कंप्लीट कर लिया जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मस्त सब्सक्राइब द चैनल और किसी को डाउट है यू कैन कनेक्ट विद द नंबर डबल सेवन एट वन नाइन वन थ्री नाइन थ्री नाइन पे ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्लास सो थैंक यू रिवन